अगर दोस्तों आप भी क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं और आपने कई बार यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के लिए लेने के लिए अप्लाई किए हैं और बार बार आपका यहाँ पे एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देता है, तो उसमें आप यहाँ पे जो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में जो है आपको एक ऐसा प्रोसेस बताऊंगा जिसमें कि आप यहाँ पे कुछ अपना बेसिक डिटेल फिल करके आप जो अपना क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, उसमें आप जितना भी क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल होंगे सारा कुछ आपको यहाँ पे शो कर दिया जाएगा। आप जिस भी क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हैं वो आप यहाँ पे जो है ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको अभी अप्लाई करना है, आपको अभी जो है जानना है कैसे इसको अप्लाई किया जाता है, कहाँ से अप्लाई करना है, क्या क्या इसमें आपको बेसिक डिटेल फिल करना है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को नीचे सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटा प्रेस कर लेना है ताकि आपको आगे भी इस प्रकार के डेली आपको वीडियो मिलते रहेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अप्लाई करने के लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखा है जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इस प्रकार का वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगा, देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप मोबाइल से करना चाहते हैं तो मोबाइल से कर सकते हैं, अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले तो आपको मोबाइल नंबर इस वाले बॉक्स में फिल कर देना है। नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको सेलेक्ट ए प्रोफेशन में आपको यहाँ पर सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है या तो बिजनेस आपका, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद यहाँ पे कुछ प्रोसेस लेगा, उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, तो ओटीपी को आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, ओटीपी जैसे कि मेरे मोबाइल में आ चुका है, यहाँ पे मैं ओटीपी को डाल दे रहा हूँ, या तो आप ऑटोफिल भी करके आप यहाँ पे जो है अलाउ करके ऑटोफिल भी ओटीपी कर सकते हैं, जैसे कि मैं अलाउ कर दिया हूँ। ठीक है, तो ओटीपी वेरीफाई होने में यहाँ पे थोड़ा कुछ यहाँ पे समय लगता है, तो आपको यहाँ पे वेट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पे आएगा जो कि यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है जस्ट फ्यू स्टेप टू गेट द मोस्ट सुटेबल कार्ड। ठीक है, आप यहाँ पे कुछ स्टेप को यहाँ पे फॉलो करके आप जिस भी कार्ड के लिए सुटेबल होंगे, जिस भी कार्ड के लिए आप एलिजिबल होंगे, आप उस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको यहाँ पे पैन कार्ड डिटेल आपको यहाँ पे फिल कर देना है। अब जैसे पैन कार्ड का यहाँ पे नंबर डालेंगे उसके बाद यहाँ पे पैन कार्ड में आपका जो भी नाम होगा ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पे पर्सनल डिटेल में आपको यहाँ पे रेसिडेंस पिन कोड आपको डाल देना, आपका एरिया का जो भी पिन कोड होगा यहाँ पे आपको फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे जो है स्टेट यहाँ पे ऑटोमेटिक से आ जाता है। नीचे आप यहाँ पे पर्सनल ईमेल आईडी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, वो आपका जो भी ईमेल आईडी होगा यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे आप नेचर ऑफ बिजनेस में यहाँ पे आप मैन्युफैक्चर करते हैं या तो ट्रेडर है या तो सर्विस प्रदान करती है या तो आप रिटेलर है, तो आप यहाँ पे जो भी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बिजनेस टाइप में आप यहाँ पे क्या है, प्रोपर्टनरशिप है या तो पार्टनरशिप है या तो प्राइवेट लिमिटेड ने आपको दिया है, कंपनी ने दिया है, तो आप अपने अनुसार से यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बिजनेस नाम यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे नेट मंथली इनकम आप यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मंथली इनकम डाल लेने के बाद नीचे आपको यहाँ पे टोटल बिजनेस एक्सपीरियंस आपको डाल देना है, यानी आपका उस क्षेत्र में जो है कितना साल का एक्सपीरियंस है और कितने मंथ का एक्सपीरियंस है, सारा कुछ यहाँ पे डिटेल वगैरह फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे चेक ऑफर के ऊपर क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे प्रोसेस ले रहा है तो यहाँ पे मैं वेट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आगे का जो भी प्रोसेस होगा मैं आपको सारा कुछ डिटेल में आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। बस आपको वीडियो को प्लीज लाइक कर देना ताकि आप जब लाइक करते तो मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आगे के वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ इस प्रकार के इंटरफेस यहाँ पे आ जाएगा जो कि यहाँ पे देख सकते हैं बुक एंड एफ डी गेट योर रिक्वायर्ड कार्ड यानी रिक्वायर्ड नो। तो आप यहाँ पे जिस भी कार्ड के लिए एलिजिबल होंगे यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं मैं इस कार्ड के लिए यहाँ पे एलिजिबल हूँ। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पे हो सकता है कि आप यहाँ पे मल्टीपल कार्ड के लिए एलिजिबल होंगे तो वो सारा कुछ आपको यहाँ पे डिटेल में देखने के लिए मिल जाएगा। तो जैसे कि मैं एक ही कार्ड के लिए एलिजिबल हूँ जो कि यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है, तो रुपी कार्ड के लिए मैं एलिजिबल हूँ, अगर मुझे लेना है तो यहाँ पे आपको लेना है तो यहाँ पे अप्लाई नो के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपके केस में यहाँ पे मल्टीपल कार्ड आता है तो आप अपने अनुसार यहाँ पे जो भी कार्ड लेना चाहते हैं उस कार्ड को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे कार्ड का कुछ डिटेल वगैरह चेक करना है तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि एनुअल फीस का यहाँ पे नील है यानी जीरो, कुछ आपको एनुअल फीस देना है। ठीक है, लाइफ टाइम आपका यहाँ पे क्रेडिट कार्ड फ्री है और यहाँ पे इसको 0.5% का कैशबैक एंड कार्ड स्पेंड करने में आपको मिलता है। गेट अप्रूवल इन जस्ट 30 सेकेंड यानी आप जो 30 सेकेंड में इसका अप्रूवल भी मिल जाता है। बस इसके लिए आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक कर देना। ठीक है, जब आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपको दूसरे पेज पे आपको रिडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे आपको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, आप यहाँ पे हो सकता है कि आप एक्सिस बैंक के लिए एलिजिबल होंगे तो आप यहाँ पे एक्सिस बैंक के वेबसाइट पर आपको ले जाएगा और वहाँ से आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे प्रोसेस को फॉलो करके आप अपना यहाँ पे क्रेडिट कार्ड को यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपका यहाँ पे हो सकता है कि आप इस कार्ड के अलावा कोई और कार्ड के लिए एलिजिबल है तो वो भी कार्ड आप यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के लिए ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है, बहुत ही आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है आप जिस भी कार्ड के लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो से आपको काफी सीख मिला होगा, अगर आपको यहाँ पे कुछ सीखा है तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना। साथ ही साथ आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है नीचे मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।